सामने बहुत सारी चीज़ें। अब थोड़ा FPS को चेक कर लेते हैं। FPS यहाँ पे 52 FPS मिल रहा है भाई, 52 50 FPS भाई, 60 FPS, ये भाई बहुत सही है मैंने। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस अभी मेरे हाथ में पोको M3 डिवाइस है, ठीक है? पोको M3 आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो पोको M3 डिवाइस है, और आप लोगों को पता है कि फ्री फायर मैक्स लॉन्च हो चुका है, ये रहा फ्री फायर मैक्स। और फ्री फायर मैक्स लॉन्च होते ही मैंने कर लिया फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल। और आप सभी लोगों को पता है, अगर आप नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर में जाओगे और जाके देखोगे फ्री फायर, तो आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा छोटा है। मतलब फ्री फायर अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 761 MB का है। अगर आप फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करने के लिए जाओगे फ्री फायर मैक्स, तो आपको ये देखने को मिलेगा ये लगभग 1 GB का है, राइट? ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, पर ये लगभग 1 GB का है। और 1 GB के बाद भी अगर यहाँ पे कुछ इंस्टॉल किया जाता है तो उसका जो कि साइज बढ़ जाता है और ज़्यादा। तो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्री फायर मैक्स पोको एम जी में कैसे चलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पोको एम जी का स्पेसिफिकेशन कैसा है, दाम कितनी ज़्यादा है या नहीं है, सब कुछ आप लोगों को पता है अगर आप यूज़र हो। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि फ्री फायर मैक्स एक्चुअली कैसे चलेगा पोको एम जी डिवाइस में। और ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो लेट्स गो। सबसे पहले गेम को ओपन करते हैं और देखते हैं ओपनिंग टाइम कैसा निकल के आती है। हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। आप देखेंगे एक के बाद एक चीज़ कि इसकी ग्राफिक सेटिंग्स कैसा है, गेम ओपन होने में कितनी टाइम लगा आप लोगों को पता चल चुका है। और मैं साउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे। और गेम को ओपन होने में कैसा टाइम लगा वो पता चल चुका है। और गेम कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी ग्राफिक सेटिंग्स में हम कैसा खेल सकते हैं। सेटिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, उसके अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्राफिक्स, जो कि मैंने कर रखा है अल्ट्रा पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो अल्ट्रा है। और हाई रेजोल्यूशन जो कि हाई किया हुआ है, शैडो भी ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे आप कोई से भी यूज़ करो, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं क्लासिक में खेलता हूँ तो क्लासिक अच्छा है। हाई FPS, नॉर्मल FPS भी आप रख सकते हो, हाई FPS भी आप कर सकते हो। तो मैं हाई FPS कर देता हूँ ताकि FPS का और ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें, नो स्क्रीन येस और नो, ऐसा कुछ चीज़ें दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे हाई FPS चूज़ कर रखा है। और मैं सीरियस मानूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में चल रहा है। अब देख लेते हैं कि इसकी FPS कितनी दे रही है। तो FPS देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी खुद की एक एप्लीकेशन है जो कि है भाई इसकी गेम लॉन्चर या गेम बूस्टर आप मान सकते हो। ये रहा हमारे गेम टर्बो। गेम टर्बो को ओपन कर लेते हैं हम लोग। और गेम टर्बो को ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसको सबसे पहले ऐड करवाना ज़रूरी है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस हमें निकल के आ रही है, ठीक है? ये ऐड कर लिया, अब यहाँ पे करते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद गेम टर्बो हो चुका है ऑन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम लोग अगर यहाँ पे स्क्रॉल अप डाउन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे गेम टर्बो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग 40 FPS जा रहा है भाई, ध्यान से देख लो। हाई FPS करने के बाद आपको 40 FPS मिल रहा है, 33 35, मतलब 30 के ऊपर जा रहा है, मतलब मैक्स टू मैक्स 40 टच कर सकता है। अब यहाँ पे जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने जो इसकी गेम लॉन्चर है वो देख के रखे हैं। तो जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, GPU 99% पे सेट है और CPU 20% पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो झट से हम लोग ना इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं मैच के अंदर हमें कैसा चीज़ें, कैसा सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि फ्री फायर मैक्स है, 1 GB का गेम है। और 1 GB का गेम ही कैसे हैंडल कर सकता है, 40 FPS दे रहा है कि नहीं, वो हम लोग करेंगे चेक। लेट्स गो। तो गेम लगभग स्टार्ट हो ही चुका है और अभी देखेंगे कि मतलब कितनी टाइम लेता है, जंप करने के बाद कोई लैग हैंग होता है कि नहीं। मतलब मैंने इसके पहले खेल के देखा, मैं किसी बंदे के ऊपर खड़ा था भाई, यार क्या है। या नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी कंट्रोल सेट नहीं किया, मैं 3 फिंगर में ज़्यादातर खेलता हूँ ऐसे, तो सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ लग रहा है। आप देखते हैं ग्राफिक्स कितना दे रहा है, 27 26 30 FPS मेंटेन है, हाँ नहीं 30 के ऊपर भी जा रहा है कभी कभी।
तो 30 FPS मेंटेन्ड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्मूथ लग रहा है गेम प्ले, कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं आ रहा है कि भाई 30 FPS में खेल रहा हूँ। पर हाई फ्रेम रेट डाल रखा है तो भाई एक थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्मूथ था भाई, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितनी स्मूथ है। तो अभी यहाँ पे 33 FPS, मतलब 30 के ऊपर तो जा ही रहा है। 34 FPS, 33 FPS, मतलब 35 FPS का आपको एवरेज मिल जाएगा। चलो जंप करते हैं, और जंप करने के टाइम भी एक बार FPS चेक कर लेते हैं। ये देखिए 43, 47, 44, 52, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, ये देखो आपके सामने 50 FPS, 52 FPS मिल रहा है, 50, 44। अब नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है वैसे भी। तो ये मैं नीचे चला गया, बहुत स्मूथ था भाई, यहाँ पे 60 FPS तो दे ही रहा था ये। उसके साथ साथ अब नीचे जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसी हालत है या नहीं है। तो ये हमने लैंड कर दी, और ये हम अभी गेम को खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, अब थोड़ा FPS को चेक कर लेते हैं। FPS यहाँ पे 52 FPS मिल रहा है भाई, 52 50 FPS भाई, 60 FPS, ये भाई बहुत सही है। मैंने जब गेम को पहली बार खेला था ना, ये सब नोटिस नहीं किया था कि भाई 60 FPS यहाँ पे आ जाता है। मैं मुझे लगा कि भाई 30 FPS में ही चल रहा है, पर गेम प्ले बहुत स्मूथ है भाई, देख लो। जो लोग ना बहुत अच्छी तरह से ये गेम को खेलते हैं ना, उनको पता लग जाएगा कि भाई ये गेम कितनी स्मूथ लग रही है। दरअसल मुझे अभी तक कोई गन नहीं मिली, तो मैं ये तो नहीं दिखा सकता, ये मिल गया गन। सही है सही है सही है सही है भाई, बहुत सही है। अब अभी देख लेते हैं कितनी FPS दे रहा है। और देखो भाई लोग 52 53 देख पा रहे हो, 52 53, 55 54, मतलब 60 FPS मेंटेन्ड है भाई, बहुत सही बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो बाकी गन्स भी उठा लेते हैं, बाकी गन्स उठा लेते हैं और निकला जाए। सही है, फ्री फायर की जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गेम को खेल सकते हो। पर ऐसी सिचुएशन में कितनी FPS दे रहा है, ऐसी सिचुएशन भी 51 FPS एंड 55 FPS हो रहा है, बहुत सही है भाई। यह फ्री फायर मैक्स में ना जो ग्राफिक सेटिंग्स को इंक्लूड किया गया है, बहुत सही दे रहा है भाई ग्राफिक सेटिंग्स। अब कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, झट से तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, 100% बहुत सही है। तो नीचे और एक बंदा है जिसको मैंने स्पॉट कर लिया है, आ रहा है, ठोक दिया। अरे ये डाउन हुआ या मर गया, ये मर गया मर गया, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने सोलो स्क्वाड कर लिया कि क्या है क्या नहीं है। ये कोई मार रहा है मेरे मेरे पीछे से, कोई तो है, वही तो मार रहा है। हाँ ठोक दिया मेरे साथ, नहीं भैया मेरे साथ नहीं, मर जाओगे। तो गेम काफ़ी स्मूथ है भाई। अगर बात करें हीटिंग वगैरह की, हीटिंग वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं, तो भाई हीटिंग तो मुझे ऐसा कोई फील तो नहीं हो रहा है कि हीटिंग हो रहा है भाई। गेम प्ले बहुत स्मूथ है भाई, अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंट 47 51 50, हाँ फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे हैं, पर जो डिवाइस में 30 FPS चलता है, उस डिवाइस में अगर 60 FPS में गेम प्ले चल रहा है तो नो इशू भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हाई में, हाई सेटिंग्स में। मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया कि सब कुछ हाई किया हुआ है, क्लासिक फिल्टर आपको लॉबी के अंदर ही दिखाया था कि सब कुछ हाई किया हुआ है, तो मुझे ऐसा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो भी नहीं रहा है, और मैं आपको बताऊँगा भी नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सही है, मतलब ऐसा कोई बेसिक इशू तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा। एक और बंदा आ गया, मैं मर जाऊंगा ना ऐसे करते करते। हाँ क्या हम लोग, तो ठीक है गाइस, दिस इज फ्री फायर मैक्स। और मुझे देखो भाई, मैं इस डिवाइस को टेस्ट कर रहा था, मेरी गेम प्ले को जज मत करना डिवाइस को, आप लोग बहुत अच्छा गेमर होंगे मेरे से, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 50 60 FPS तो ये मेंटेन कर ही रहा है, कभी कभी 40 FPS, कभी कभी 50 FPS। हाई FPS होने का फ़ायदा तो है, काफ़ी अच्छा है, पर गेम थोड़ा स्लाइड हीट हो रहा है फ़ोन। फिर से एक बार चीज़ें बता देते हैं, इसकी हीटिंग थोड़ी बता देते हैं कि अभी हीटिंग का कैसा सीन है। थोड़ा मुझे इस एरिया में फीलिंग तो हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो देख लेते हैं हीटिंग कितना हुआ। पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा है भैया, तो उसके ऊपर हीटिंग टेस्ट करेंगे। अभी हम इस फ़ोन की हीटिंग को टेस्ट कर लेते हैं, मेरे पास सीपीयू जेड एप्लीकेशन आ चुका है। अब मैं जाऊंगा बैटरी में और चेक करेंगे इसकी परसेंटेज कितना हुआ। अभी 70% है चार्ज, वो तो अलग बात है, पर 40
2 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ी सी हीटिंग हुई है। अगर आप हाई FPS में खेलोगे तो आपको थोड़ी हीटिंग देखने को मिलेगी, अगर आप लो FPS में खेलोगे तो आपको सर इतनी हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, पर गेम प्ले भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, 25 to 30 FPS का एवरेज मिल जाएगा। पर अगर हाई FPS में खेलोगे तो आपको लगभग क्या बोलूँ मैं, 55 to 60 FPS का एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार हुआ है 60 टच भी हुआ है, कम हो रहा है पर 60 टच हुआ है, तो मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फ्री फायर मैक्स को बहुत ही अच्छे से बहुत कमाल तरीके से आप लोग कर सकते हो एंजॉय, कोई इशू नहीं है। ये मैंने तो इसको किया था, ऑफ किया था, पर कोई बंदा मुझे मार रहा है, मारने तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भैया, कोई इशू नहीं है, चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पोको M3 का कुछ गेम प्ले रिव्यू हम लोगों ने दिखा दिया आपको, और पोको M3 में फ्री फायर मैक्स बहुत मक्खन तरीके से चलता है, 55 to 60 FPS सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।